इसका जो डी वाला बटन है इस पे ज़्यादा ट्यून्स हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो फिर आज की हमारी वीडियो में हम इंस्टॉलेशन करेंगे इस वीआईपी सायरन की। ये वायरलेस रिमोट वाला वीआईपी सायरन है और इसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने इस महिंद्रा ट्रैक्टर पे। तो इस ट्रैक्टर पे हमने फुली वायरिंग का काम भी किया है। इससे पहले मैंने इसकी स्टोरी भी डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने जिक्र किया था ट्रैक्टर की वायरिंग का। तो इसी ट्रैक्टर की हमने जो फुली वायरिंग की है, तो अभी जो इसके टोटली फीचर्स हैं उन्हें वर्किंग किया है। इसकी अभी छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई, कैमरा पकड़ना, और आपको मैं चेक करवा देता हूँ इसमें क्या कंटेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स इसके अंदर, मैं पहले वैसे इसे खोल के देख चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर बस ये एक सायरन है, ठीक है, और दूसरा है इसके साथ ये एक रिमोट, ठीक है। और इसमें दो वायर हैं, एक ब्लैक नेगेटिव की और रेड पॉजिटिव की, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो एक स्विच ऐड कर सकते हो कि जब इसे आप स्विच को ऑन करो तो तभी ये इधर रिमोट से चालू हो। तो इसके अंदर ए बी सी डी चार स्विच हैं, इसके अंदर टोटली चार ट्यून्स हैं, चार टाइप के यानी कि सायरन बजते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे ये वायरलेस रिमोट से कंट्रोल होगा, ऑपरेट होगा, ठीक है। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन का काम शुरू करते हैं, बताता हूँ इसे कैसे हमें इंस्टॉल करना है। उससे पहले एक आपको मैं नज़र करवा दूँ इस ट्रैक्टर की, जिसका हमने वायरिंग का काम किया है। तो अभी हमने इसके टोटली जो इंडिकेटर वगैरह है, फ्रंट के इंडिकेटर, पार्किंग वगैरह, इसे वर्किंग किया है। इधर इसके जो मीटर वगैरह हैं, इनकी जो लाइटें वगैरह डाली हैं, और इधर हमने स्विचेस वगैरह लगाए हैं इंडिकेटर के, हॉर्न का, और इधर हज़ार लाइट का। टोटली जो फीचर्स हैं वो वर्किंग की हैं। इधर भी हमने प्रॉपर क्वालिटी से काम किया है, जैसे कि हमने चैनल का नाम रखा है क्वालिटी लवर। और पीछे भाई की रिक्वायरमेंट थी कि दो लाइटें लगानी हैं, फ्लड लाइट्स, तो एक इसकी इधर स्टॉक है और एक हमने इधर एलईडी लगा दी है। तो इधर हमने एक स्विच लगाया हुआ है, इस पर अभी हमने कोई चीज़ नहीं लगाई। ये अगर आगे फ्रंट बम्पर पे लाइट लगाने के लिए स्विच का पॉइंट जुड़ा है, तो इस पर हम अभी जो अपना सायरन है उसको इससे सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें इसकी शो ओपन करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। उसके लिए हमें इसका जो ये एयर क्लीनर और साइलेंसर उतारना पड़ेगा। तो इसे उतार के मैं इसकी जो आगे की शो है उसे उठा लेता हूँ। एयर क्लीनर और साइलेंसर उतार के हमने इसकी जो शो है वो उठा ली है, और अभी जो हमारा सायरन है वो हम इधर माउंट करेंगे आगे, ठीक है। और जो कनेक्शन है वो भी मैंने जो आपको स्विच दिखलाया पीछे, ठीक है, उसका कनेक्शन इस वायर में आ रहा है, तो इसके साथ हम उसका कनेक्शन कर देंगे। और उसकी जो ब्लैक वायर है उसे बॉडी के साथ लगा देंगे, और जो रेड वायर है उसका कनेक्शन इसके साथ कर देंगे। तो चलिए मैं उसे पहले इधर माउंट कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने एक ये पत्ती बनाई है इसके लिए, ये कम से कम 4-5 इंच लंबी होगी, और इसके अंदर हमने 10 mm के होल कर लिए, और एक होल पे इधर नट डाल के हम ये जो सायरन की पत्ती है उस पर लगा देंगे, और दूसरे को इधर ये जिस नट पे अपना हॉर्न माउंट है उस पर लगा देंगे, इसे ऐसे लगा देंगे, और उधर पत्ती को उस नट पे अंदर कस देंगे। तो ऐसे हमारा जो सायरन है वो माउंट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसे माउंट कर लेता हूँ। अभी जो हमारा सायरन है वो प्रॉपरली इधर माउंट हो चुका है, ठीक है, और इसके हमने जो कनेक्शन है वो भी कर दिए। ये जो नेगेटिव वायर का कनेक्शन हमने हॉर्न के नेगेटिव के टर्मिनल के साथ कर दिया है, ये देखिए ब्लैक वायर नेगेटिव है हॉर्न की, जो टीम वाला हॉर्न लगा हुआ, और जो पॉजिटिव वायर है वो हमने एक्सटेंड करके इधर लाकर, इधर मैंने बताया था ना ये जो ग्रे वायर है ये अपनी जो स्विच से आ रही है, जो हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ा है बम्पर पर लाइट लगाने के लिए, तो उसके साथ हमने इधर कपलर के अंदर कनेक्शन कर दिया है, तो जॉइंट वाला नहीं हमने डाला, ठीक है। तो चलिए अभी मैं एक साउंड चेक करवा देता हूँ। तो अभी आ गए हम साइड, तो इधर से हमने करना है इसका इग्निशन ऑन, ठीक है, और ये जो स्विच है इसे ऑन करना है। अभी देखिए ये रिमोट, तो मैं दबाता हूँ अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैं ये स्विच ऑन करूँगा तो ये अपना सायरन काम करेगा, ठीक है। ये बीपर ऐसी वाली साउंड है, ये ए पर, सॉरी, ये ये सी पर थी और ये डी पर, बी दबाने पर ये एक बार बीप करता है, और जो अपनी जो सायरन की ट्यून होती है वो ऑफ हो जाती है। इन तीनों पर जो है लंबी साउंड है, और ये डी पर ये शॉर्ट साउंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी इसकी इंस्टॉलेशन।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो फ्रेंड्स सायरन है इसकी कीमत लगभग 700-750 है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय बाय। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का मुझे अभी पता चला कि इसका जो डी वाला बटन है इस पर ज़्यादा ट्यून्स हैं, जैसे ए पर सिंगल ट्यून, ठीक है, और सी पर भी सिंगल ट्यून है, डी पर देखिएगा एक ट्यून हो गई, तो डी पर इसके 4 ट्यून्स हैं टोटल, ठीक है।